तो दोस्तों आज बात होगी उर्फी जावेद की। उर्फी जावेद नहीं, उर्फी जावेद। हाँ हाँ, उर्फी जावेद। तर्मा को 20 साल बाद पता चलता है इनका नाम उर्फी नहीं उर्फी है। तो दीदी से ही जानते हैं दीदी है कौन। तो अकॉर्डिंग टू दीदी, दीदी है आर्टिस्ट। अरे दीदी, कपड़े की माँ बहन एक करने वाले को आर्टिस्ट नहीं कहते। भाई ये ले तेरी गाड़ी की चाबी। ठीक है भाई मैं चलता हूँ। अरे हाँ वैसे भाई मैं आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट वो कैसे? क्योंकि मैंने तेरी गाड़ी की माँ बहन एक कर दी। वापस आ गया तू, फिर से डरेगा, किस तरह फ्लॉप हुआ अब क्या करेगा। हाजी आओ, स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन अपनी नाक से रगड़ दो। दीदी को तुम रणवीर सिंह की बहन अज्यूम कर सकते हो। नहीं इस लेवल की नहीं, पर फिर भी बहन अज्यूम कर सकते हो। ये दीदी कपड़े छोड़कर की बोरी, बिस्तर, अल्मोनियम फॉइल, न्यूज़पेपर सब पहन लेती है। हमारी दीदी वो है जिनको टेलर ये बना के देता है, और हमारी दीदी ये पहन के बाहर निकल भी जाती है। भाई सबको राइट है अपनी मर्जी का पहनने का, तू कौन होता है बोलने वाला। ठीक है सबको राइट है अपनी मर्जी का पहनने का, पर इसकी वीडियो मेरे ही रील सेक्शन में क्यों आती है? अरे दीदी ये ना पहनो, गिर जाओगी। मैं नहीं गिरूंगी, and you just shut up. A few moments later. So bad. I would personally never wear that. I mean, it was just, I didn't like it at all. दीदी ने अंग्रेजी में बोल दिया, समझ में आता तो इस पे भी कुछ बोलते हैं। मैं चमकू जैसे जुगनू। फॉल में लपटी हुई है। अरे दीदी देसी माताओं के हत्ते ना चढ़ जाना, रोटियां लपेट दी जाएंगी। दीदी के कपड़े या तो दर्जी सिलना भूल जाता है, और जब वो सिल देता है तब दीदी पहनना भूल जाती है। लड़के मुझसे दूर भागते थे यार, no one was interested in... I don't know why. अरे दीदी अखबार लपेट के घूमोगी ना तो सुबह 7 बजे चाय में चाय लेके चश्मे वाले दादा करीब आएंगे, लड़के नहीं। क्या मतलब है BTS वाले लड़के नहीं है? अखबार में ना लिपटा करो, कुछ लोग अखबार देके यूं ही खुन्नस खाते हैं और फिर अखबार के साथ ये करते हैं। भांग पीते हो आप? दारू कभी कभी पीते हो? हाँ दीदी, बंदा होशोबाद में ऐसे कपड़े नहीं पहनता। इट्स हर चॉइस। हमारी दीदी का एक टैलेंट भी है। क्या ही कहूँ यार, मतलब ये तो मेरा स्किल है कि मैं हील्स में तुम लोग ज्यादा तेज दौड़ सकती हूँ। वाह दीदी वाह दीदी। दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। हमारी दीदी खुद भली बात ही जानती है कि इन कपड़ों में चलना मानव हितों के खिलाफ है। एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थान करने के लिए हेलीकॉप्टर बन गई। तवे पे सेक के कपड़े पहनू, फ्रीजर से निकाल के कपड़े पहनू, मेरी मर्जी। हॉट एंड कोल्ड मेरी मर्जी। दीदी पर मेरी रील सेक्शन में क्यों आती हो? ऐसा वहम बिल्कुल ना पालना कि इस ड्रेसिंग सेंस में ये सबसे आगे है। ये भी अलवेले अलवेले लोग हैं। अरे मैया तू क्या देख लियो। हेलो क्या कर रहे हो? चाय पी रहा हूँ। और अगर मैं वहाँ होती तो? तो तेरे साथ चाय पीता। और अगर चाय ना होती तो? मैं चाय बना के पीता। और अगर चाय बनाने का सामान ना होता तो? अरे चचा बोल दो, अब मैं सीजर लेके कपड़ों की माँ बहन एक करने में तेरी मदद करता तो दीदी सेटिस्फाई हो जाएंगी। Hey, seriously, like have you seen my silhouette? Sheesh, it's giving main character and a... अगर इन पत्थरों की जगह दीदी को, खैर मेरा ओपिनियन छोड़ो, कमेंट सेक्शन में एक्सपर्ट की राय जानते हैं। क्या होगा अगर इसको बोल दिया बनाना फेंक के मारो तो? फिर तो तुम्हें ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से मारना चाहिए, इसको टिश्यू पेपर से मारना चाहिए, टेढ़ा चांद भड़कीला चेहरा बरसते बादल, इसको टट्टी से मारना चाहिए, ही देखते हैं टट्टी पहनकर आती है कि नहीं, ही उर्फी को हवा से मारना चाहिए, प्यार में ललचाती आंखें, इसको कपड़ों से मारना चाहिए। भाई ऐसी बात ना बोल जो ये दीदी कर ही ना सके। ओके दैट्स इट, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। इससे भी अलवेले अलवेले लोग हैं, इससे भी अलवेले अलवेले लोग हैं। बे यार ये रिएक्शन क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इससे भी अलवेले अलवेले लोग हैं। बे यार यहाँ एक सेकंड की गड़बड़ कर रहे हैं खाली। मुंदरी बनाई फिरे ते विच नाक जड़वाई फिरे, मुंदरी बनाई फिरे।